हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागत दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक और नए वीडियो सेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा अमिताभ घोष। इंडियन राइटर होंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, कुछ टॉपिक्स को हम केवल टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके साथ दोस्तों डिस्कस करेंगे डिटेल्ड इनकी बायोग्राफी को। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखेंगे पूरा और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन एंड वेयर वाज अमिताभ घोष बॉर्न। दोस्तों, अमिताभ घोष वाज बॉर्न 11 जुलाई 1956, सम अबाउट 64 ईयर्स, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया में। दोस्तों यानी कि ये अभी भी जो है प्रेजेंट में हमारे जीवित हैं। अमिताभ घोष स्पेशली नॉन फॉर अमिताभ घोष को स्पेशली जाना जाता था हिज वर्क्स इन इंग्लिश फिक्शन, जो इंग्लिश फिक्शन में उनका वर्क था उसके लिए उनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ नॉट कंटेम्प्रेरी ऑफ घोष एट धून। देखिए, नीचे दो राइटर आपके दिए गए हैं जिसमें विक्रम शेठ और राम गुहा है, तो इन दोनों में से कौन सा उनका कंटेम्प्रेरी नहीं था? तो दोस्तों इनमें से जो दोनों हैं वो उनके कंटेम्प्रेरी थे, तो दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर फोर होगा, फ्रॉम वेयर डिड घोष कंप्लीट हिज एजुकेशन। घोष ने जो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया था दोस्तों, वो ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल था, द दून स्कूल इन देहरादून के नाम से, तो वहां से उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन को कंप्लीट किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से दोस्तों उन्होंने अपना बीए और एमए कंप्लीट किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज बाय अमिताभ घोष। निम्नलिखित में से कौन सा वर्क अमिताभ घोष के द्वारा है? यहाँ पर चार ऑप्शन आपके लिए हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द सी ऑफ पोपीज, द ग्रेट इंडियन नोवल। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीन, सी ऑफ पोपीज। सी ऑफ पोपीज शॉर्टलिस्टेड फॉर विच अवार्ड। दोस्तों सी ऑफ पोपीज को जो है किस अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था? आंसर होगा आपका दोस्तों मैन बुकर प्राइस इन 2008। क्वेश्चन नंबर सेवन दोस्तों आपका होगा, वाज, देखिए घोष जो थे, यहां पर हमने सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ है, घोष वाज को विनर ऑफ द वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड इन 2009 और एज वेल एज विनर ऑफ द देन डेविड प्राइस इन 2010। क्वेश्चन नंबर एट, हु इज द स्पाउस ऑफ अमिताभ घोष। अमिताभ घोष की जो स्पाउस थी वो कौन थी? तो दोस्तों आंसर होगा आपका डेलोवेरा बेकर, जो कि इनकी पत्नी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, हिज नोवेल रिवर ऑफ स्मोक इज शॉर्टलिस्टेड फॉर द मैन एशियन लिटरेरी प्राइज इन 2011। यानी उनका वर्क था रिवर ऑफ स्मोक, तो दोस्तों उसको जो है एशियन लिटरेरी प्राइज के लिए जो है शॉर्टलिस्टेड किया गया था 2011 में। 2012 में दोस्तों उनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था टाटा लिटरेचर लाइव की तरफ से। साहित्य अकादमी अवार्ड दोस्तों उन्होंने प्राप्त किया था 1990 में द शेडो लाइंस के लिए। पद्मश्री अवार्ड 2007 में फॉर हिज सर्विस टू लिटरेचर एंड एजुकेशन, जो एजुकेशन और लिटरेचर में उनकी सर्विस थी दोस्तों उसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड 2007 में प्रोवाइड किया गया। ही इज द विनर ऑफ 54th जनपथ प्राइज इन दिसंबर 2018, यानी उन्होंने जो है जो जनपीठ पुरस्कार था दोस्तों उसको भी गेन किया था 2018 में। द सर्कल ऑफ रीजन हिज 1986 डेब्यू नोवल था दोस्तों, यानी सर्कल ऑफ नोवल था, सर्कल ऑफ रीजन था, तो उनका वो डेब्यू नोवल था जिसको उन्होंने 1986 में लिखा था। यहां से देखेंगे, घोष फेमसली विथड्रू हिज नोवल द ग्लास प्लेस फ्रॉम कंसिडरेशन द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज वेयर इट वॉज अवार्डेड द बेस्ट नोवल इन द यूरेशियन सेक्शन सिटिंग हिज ऑब्जेक्शन टू द टर्म। यानी जो स्पेशली फेमस है वो
इस चीज के लिए दोस्तों फेमस है। नोटेबल अवार्ड्स की बात करें तो उनको मुख्य रूप से जो अवार्ड दिए गए थे, ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, आनंदा पुरस्कार, डैन डेविड पुरस्कार और पद्मश्री अवार्ड उनको नॉमिनेट किया गया था। फेमस वर्क की बात करेंगे तो शेडो लाइन्स, द ग्लास प्लेस, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, द हंग्री टाइड। दोस्तों यहां से जानेंगे अब उनकी डिटेल्ड बायोग्राफी को। तो डिटेल्ड बायोग्राफी में दोस्तों बात करेंगे, देखिए थोड़ा सा फटाफट जान लेते हैं कि अमिताभ घोष वॉज बॉर्न कलकत्ता ऑन 11 जुलाई 1956, ए बंगाली हिंदू फैमिली यादव। ही वॉज एजुकेटेड एट द ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल टू द दून स्कूल इन देहरादून। दोस्तों अमिताभ घोष जो जन्म हुआ था उनका कलकत्ता में 11 जुलाई 1956 को एक बंगाली हिंदू यादव फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, एजुकेशन की थी जो प्राप्त बोर्डिंग स्कूल देहरादून से। उसके बाद में उनका जो विकास हुआ था, जो बड़े पले बड़े थे वो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में उनका पालन पोषण, इस तरह से उन्होंने अपने जो है उस अपने आप का विकास किया। हिज कंटेम्परेरीज एट डून इंक्लूडेड ऑथर विक्रम सेठ एंड हिस्टोरियन राम गुहा। उनके जो दून स्कूल में जो कंटेम्परेरी थे, वो दून स्कूल के जो सहपाठी थे उनके, और उसमें जो राइटर्स थे विक्रम सेठ और राम गुहा भी जो है इंक्लूड है। वाइल एट स्कूल ही रेगुलरली कंट्रीब्यूटेड द फिक्शन एंड पोएट्री टू द दून स्कूल वीकली। यानी वो जो है मुख्य रूप से जब वो छोटे थे अपने स्कूल में थे तो नियमित रूप से जो है फिक्शन को जो है अपने स्कूल की जो वीकली जो पत्रिका होती थी उसके लिए, वीकली मैगजीन के लिए वो प्रोवाइड करते थे। एंड फाउंडेड द मैगजीन हिस्ट्री टाइम्स अलोंग द गुहा। यानी जो राम गुहा थे उनके साथ साथ उन्होंने जो है हिस्ट्री टाइम्स अलोंग का जो है एक मैगजीन थी उसको रिप्रेजेंट किया। आफ्टर दून ही रिसीव डिग्रीज फ्रॉम सेंट स्टेफन्स कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। यानी देहरादून के बाद में उनकी जो एजुकेशन थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई, जो कि वहां से उन्होंने स्टेफन्स कॉलेज के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है वहां से उन्होंने प्राप्त की, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने इलेक्स फाउंडेशन स्कॉलरशिप की तरफ से एक स्कॉलरशिप को कंप्लीट किया। डिफरेंट सोशल एंथ्रोपोलॉजी एट द एडमंड हॉल ऑक्सफोर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट पीटर लेहर्ट द थेसिस अंडरटेकन इन द फैकल्टी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड ज्योग्राफी वॉज इंटाइटल्ड किनशिप इन रिलेशन टू इकोनॉमिक्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इजिप्शियन विलेज कम्युनिटी एंड सबमिटेड इन 1982। अगर दोस्तों इसको हिंदी में देखेंगे तो उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा जो है एक डीफिल की डिग्री में सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लिए सेंट एडमंड हॉल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है वहां पे अप्लाई किया, और अंडर द सुपरविजन जो ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनके सुपरविजन में उन्होंने जो पीटर लेनहार्ड थे उनके सुपरविजन में उन्होंने अपनी थेसिस को कंप्लीट किया। उन्होंने उसका टाइटल था दोस्तों किनशिप इन रिलेशन टू इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इजिप्शियन विलेज कम्युनिटी, और दोस्तों उसको उन्होंने 1982 में जो है सबमिट कर दिया। ही वाज अवार्डेड द पद्मश्री बाय द इंडियन गवर्नमेंट 2007। इन 2009 ही इलेक्टेड ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। इन 2015 घोष वाज नेम्ड फॉर ए फाउंडेशन आर्ट ऑफ चेंज फेलो। अगर फिक्शन की दोस्तों बात करेंगे उनकी तो फिक्शन में जो है द शेडो लाइन्स 1998 में, और द सर्कल ऑफ रीजन जो कि उनका डेब्यू था 1986 में, द कलकत्ता क्रोमोसोम 1905 में, और ग्लास पैलेस 2000 में, द हंग्री टाइड 2004, सी ऑफ पॉपीज 2008। दोस्तों उनकी एक उन्होंने ट्रियोलॉजी कंप्लीट की थी, उसको तीन पार्ट में कंप्लीट किया था। जो पहली ट्रियोलॉजी थी दोस्तों उसको द लिब्स ट्रियोलॉजी
उसको उन्होंने 1830 में सेट किया, और जस्ट बिफोर द ओपियम वार विच इनकैप्सुलेट कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट। दोस्तों घोष ने जो रिवर ऑफ स्मोक था 2011 में, उनका सेकंड वॉल्यूम था द लिप्स ट्रिलोजी का, और थर्ड जो था उसका था फ्लड ऑफ फायर। तो उस तरह से उन्होंने अपनी ट्रिलोजी